हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। कुछ भी मालूम ना हमको, उस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। हमको खबर आई कि वहाँ पर भाई को किसी ने चाकू को मार दिया। जब हम लोग वहाँ जगह पे पहुँचे माल गोदाम के गेट पे, तो वहाँ पर वो लहूलुहान पड़े हुए थे। फिर उनको उठा के रिक्शा में डाल के यहाँ लेके आया, और यहाँ डॉक्टरों ने उनको बोल दिया कि मृत घोषित कर दिया। हाँ, चाकू भी मारा, और 7-8 जगह चाकू मारा है, और एक जगह गोली के निशान हमने हमारी आंखों से देखे। करीब 2 से 3 लोग थे, वो लोग मुंह पे मास्क लगाए हुए थे वाइट कलर के। उनके पीछे माल गोदाम वाले लोग भी भागे, लेकिन वो बड़ी स्पीड में पंधाना रोड तरफ भाग गए। नहीं, कोई भी बात नहीं था आज तक, नहीं कोई भी बात नहीं था। उनका कार्रवाई चाहते, उचित कार्रवाई चाहते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। इसमें आज माल गोदाम क्षेत्र में एक हाफिज़ नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र करीब 50-55 साल थी, वो गुलमोहर कॉलोनी के निवासी हैं, और जो कभी ट्रक ड्राइवर और हमाली का काम करते हैं, उनको गोली लगी है, और उनको स्टैब वुंड मतलब चाकू से भी वार किया गया, जिससे उनकी मृत्यु अभी हॉस्पिटल में हुई है। डॉक्टर ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की है। इसमें 2 लोग के हम संदिग्ध उसमें आए हैं, इसमें टीम्स लगाई गई हैं। अभी नाम वो सब नहीं खुलासा हो पाया है, लेकिन जो लोगों से चर्चा करने पे ऐसा पाया गया कि 2 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और सारी टीम्स लगाई दी गई, CCTV फुटेज वगैरह वो खंगाले जा रहे हैं, और जैसा भी पाया जाएगा उसमें तत्काल कार्रवाई के लिए सभी को निर्देशित किया है। अभी वजह कोई क्लियर नहीं हुई है, और जैसे कुछ क्लियर होगा, कोई भी आरोपी वगैरह के बारे में पता चलेगा, उसके बाद ही वजह वगैरह क्लियर हो सकती है।